आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार वो हो गए हैं। सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सिसोदिया ने ये गिरफ्तारी सबूतों को नष्ट करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया को आज दोपहर में अदालत में पेश किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के अधिकारियों ने आबकारी नीति के विभिन्न पहलुओं, दिनेश अरोड़ा और अन्य आरोपियों के साथ उनके कथित संबंधों और कई फोन संदेशों के आदान प्रदान के विवरण सहित अन्य मुद्दों पर मंत्री से पूछताछ की। सीबीआई जांचकर्ता सिसोदिया ने जवाब से संतुष्ट वो नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में बीजेपी मंत्री सुधीर मुंटिंगवार का कहना है कि सीबीआई ने पुख्ता सबूतों के आधार पर सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। कुछ पुख्ता जानकारी होगी, कुछ सबूत होंगे और संविधान सीबीआई को व्यक्ति के नाम के पद के आधार पे नहीं, तो उसके पास जो मुद्दा सबूत है उसके आधार पे जांच करने के अधिकार उनके पास है और उन्हें अटक करने के भी अधिकार उनके पास है। कोई व्यक्ति, ये एक सामान्य हो या उसका पद असामान्य हो, संविधान के सामने, कानून के सामने सभी समान है।